बाबा साहब ने हमको किसी भी सुरक्षा कर्मी से तुरंत संपर्क करें, उनके संज्ञान में ये बात लाएं। मगर कल जो है दलितों को बदनाम चाहते हैं कि आप लोग का ये देश बहुत अच्छा जाए। आप लोग ये देवी देवता तो बिल्कुल थे, ये देते तो 5000 वर्ष हमारे संत वो बुजुर्ग गुलाम थे, वो नहीं दे पाई। ये देवी देवता पत्थर के हैं। आप बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने दिया शिक्षा से, बाबा साहब ने दिया, लेकिन शिक्षा के लिए देवी जो है वो सरस्वती है, तो सरस्वती भी तो दे सकती है ये काम? ये कुछ नहीं दे सकती सरस्वती, ये पाखंडियों की सरस्वती है, हमारे लिए कुछ नहीं दिया, बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब हमारे महान विद्वान थे, इसमें कोई डिग्री नहीं है, कोई आंखा खड़ा हुआ देवी देवता इनका, कोई दुश्मन लेके खड़ा है, कोई तलवार लेके खड़ा है, कोई मारने को बंदूक लेके खड़ा है, ये काहे के देवता हैं, ये तो जान लेने वाले हैं। बाबा साहब ने अपने टाइम में कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो ऐसा क्यों कहा था? सही हमारे अंदर भविष्य बढ़े और सब ज्ञान प्राप्त हो आगे बढ़े, इसी तरह हमें बाबा साहब के कदमों पर हमें चलना है, जो बातों का ध्यान रखना है। बाबा साहब ने अपने टाइम में आग्रह के मंच पे कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, ऐसा क्यों कहा था बाबा साहब ने? आप देखिए, आप बीजेपी बात है, बाबा साहब ने इनको लिए आरक्षण दिया, नौकरियाँ मिली, और बाबा साहब को आज जो धोखा दिया है, आज भी कहते हैं पढ़े लिखे लोगों ने जा रखे, जो मीडियम क्लास का आदमी है वो बाबा साहब को बहुत मानता है, और पढ़ लिख करके उनके बच्चे हाई फाई हो गए, बाबा साहब को ढूंढ के नौकरी लगेगी तो 200 रुपये भी जाएगा, ये पता नहीं है कि आरक्षण से नौकरी लगी हुई है। तो ये बाबा साहब को फिर पछताना हुआ, पहली जब सभा करी बाबा साहब ने आगरा में, तो उन्होंने कहा कि ये आगरा के लोग जो इतने इकट्ठे हुए हैं, मुझे वो धर्म परिवर्तन किया नागपुर में, मुझे आगरा से करना चाहिए। बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन आगरा में 14 अक्टूबर को करा था। ऐसा कौन सा काम पड़ गया बाबा साहब को जो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा, किस कारण का जो धर्म? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।